सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। रक्त को खून भी कहते हैं। इसके लेखक श्री यतीश अग्रवाल जी हैं, जो कि एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, यानी कि प्रसिद्ध और सफल डॉक्टर हैं। इन्होंने डॉक्टर होने के साथ साथ लेखन कला में भी खूब प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त की है। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्होंने विज्ञान जैसे मुश्किल विषयों को भी अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा लोगों के सामने सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। इन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। ये आज भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। वरिष्ठ होता है सीनियर और चिकित्सक डॉक्टर, यानी कि सीनियर डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं। आज हम इनके द्वारा लिखा हुआ पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। बच्चों, हम सब ने अपने शरीर की बनावट देखी है ना? हाँ जी। रक्त लाल रंग का होता है। रक्त के अंदर कौन कौन से कण विद्यमान होते हैं और रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, ये दिव्या है जो कई दिनों से बीमार चल रही है। यह बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। ये अनिल है, दिव्या के बड़े भाई हैं। ये डॉक्टर दीदी हैं जो दिव्या का इलाज कर रही हैं।